मुंबई के लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर में है, जहाँ तमाम लेपर्ड जो है रेस्क्यू कर लाए जाते हैं, उनको यहाँ रखा जाता है। तो आज हम लेपर्ड के बारे में जानकारी लेंगे कि किस तरह से उनकी दिनचर्या शुरू होती है और गर्मी के मौसम में उनके लिए किस तरह का रखरखाव किया जाता है। फिलहाल आपको लिए चलते हैं, सबसे पहले उनकी जो सुबह की दिनचर्या होती है वो कहाँ से शुरू की जाती है, उस पर हम थोड़ी सी एक जानकारी छोटी सी देंगे कि किस तरह से ये लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर है, जहाँ तमाम लेपर्ड को रेस्क्यू करके लाया जाता है। उन लेपर्ड को यहाँ रखा जाता है जो लेपर्ड किसी भी तरह से जंगल में खुले तौर पर घूम नहीं सकते। फिलहाल ये जो तस्वीरें, एक केव बनाया गया है, ये प्राइमरी केव इसको कहते हैं। यहाँ पर तमाम जो लेपर्ड रेस्क्यू करके लाए जाते हैं, सुबह के वक्त में उन्हें यहाँ से फ्री छोड़ दिया जाता है। वो अपनी सुबह की जो दिनचर्या होती है, खेलने की होती है, एक्सरसाइज की होती है, प्रैक्टिस की होती है, मौज मस्ती की जो दिनचर्या होती है वो यहाँ से अपनी कंप्लीट करते हैं। तो तस्वीरें दिखाएंगे, उनके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है कि किस तरह से वो अपनी दिनचर्या को अपने प्राकृतिक तौर पर, नैसर्गिक तौर पर कर सकते हैं। फिलहाल अब आप लेके चलते हैं दूसरी तरफ कि गर्मी के मौसम में जब लेपर्ड को रखा जाता है, उनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, वो भी हम एक छोटा सा तस्वीरों को माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरह से उनके रखरखाव के लिए जिम्मेदारी देगी। ये लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर है जहाँ पर तमाम तरह के लेपर्ड यहाँ मौजूद है, यहाँ रखा गया है। फिलहाल अब तस्वीरें दिखाएंगे कि उनके लिए नेशनल पार्क के अधिकारियों ने एक विशेष योजना बनाई है कि इस लेपर्ड सेंटर में एक कूलर की व्यवस्था की गई है, जिससे इस रेस्क्यू सेंटर का जो टेम्परेचर है बिल्कुल नॉर्मल हो। तो आपको कूलर दिखाएंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। फिलहाल यहाँ एक अधिकारी मौजूद है और लगातार उन तमाम लेपर्ड को रखरखाव से लेकर उनके दिनचर्या के बारे में सारी जानकारी देते हैं। फिलहाल आपको बताएं कि देखिए, उनके लिए कूलर की व्यवस्था की गई है कि गर्मी के मौसम में इस कमरे का जो रेस्क्यू सेंटर है उसका टेम्परेचर बिल्कुल बना रहना चाहिए, इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो तस्वीरें दिखाएंगे, ये देखिए, ये कूलर की व्यवस्था की गई है, यहाँ तमाम जानवर यहाँ मौजूद है, उनके लिए इस तरह की व्यवस्था है। फिलहाल इस कूलर को लेकर, यहाँ के रखरखाव को लेकर हम जानकारी अधिकारी से ले लेंगे। सर मुकेश जी, सबसे पहले एक जानकारी छोटी सी दे दीजिए कि किस तरह का यहाँ जो है कूलर लगाया गया, रखरखाव किया जाता है। तो यहाँ की जो जानवरों की रक्षा करने वाले हैं या संरक्षक हैं, वो दोनों लोग हमारे साथ हैं, तस्वीरों में दिख रहे हैं, उनसे ही हम जानकारी लेंगे कि सर गर्मी के मौसम में अमूमन हर प्राणियों के लिए बड़ा संकट होता है कि किस तरह से उनका रखरखाव किया जाए। तस्वीरें पीछे दिख रही है कि कूलर लगाया गया है जानवरों के लिए, किस तरह की व्यवस्था है और क्या क्या इनकी दिनचर्या रहती, बताइए। देखो, अभी तो गर्मी के माहौल चल रहे हैं, तो उनका गर्मी के हीट कैसा कम कर ले, इसके लिए हम अभी फिलहाल ये सीजन में अर्ली मॉर्निंग सुबह एनिमल को खेलने के लिए बाहर छोड़ते हैं, और जैसा तेज धूप हो जाता है 12 बजे के अंदर, फिर उसको हम लोग एक केजेस में ले लेते हैं। और उसके लिए हमने ये देख रहे हैं, आपकी कूलर की व्यवस्था भी है, और जो बाहर का एरिया है, ऊपर का टेरेस है, उसके ऊपर भी हम पानी का छिड़काव कर सकते हैं ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। और आप देख रहे हैं कि आजू बाजू में भी पूरा ग्रीनरी है, तो इस तरीके से हम लोग उसका केयर ले रहे हैं। लगभग कितना टेम्परेचर रखना होता होगा, किन किन और बातों का ध्यान रखना होता है इनको? गर्मी में हमें देखना रहता है कि उनके गर्मी की वजह से उनके नाक में से खून तो नहीं आ रहा है, उनका जो ब्रीदिंग है वो फास्ट तो नहीं हो रहा है, उनका मोशन कैसा है, ब्लडी डायरिया गिरा तो नहीं हो रहा है ना, ये सब ऐसा पूरा चीज़ें हम उसका बिहेवियर देख के पता कर लेते हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर रोजाना की तरीके से दिनचर्या के ऊपर लगातार ध्यान रखा जाता है कि इनके बिहेवियर में कोई बदलाव तो नहीं हुआ है। जैसे ही बदलाव होता है, तमाम जो संरक्षक है, रक्षक है, उनको यह पता, इस बात का आभास हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। लिहाजन इस लिहाज से भी छत के ऊपर जो सीलिंग लगाई गई है, वहाँ भी पानी का छिड़काव जगह समय समय पर होता रहता है, और कूलर की व्यवस्था की गई जिससे जानवरों को आसानी हो अपनी दिनचर्या की शुरुआत करने के लिए। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ में प्रकाश सोनी, एनबी न्यूज़, मुंबई।